गुड मॉर्निंग क्लास थ्री. सो वी हैव डन टिल हेयर 63, 64, 65. दिस आई हैव गिवन यू. ओके दिस वी आई हैव गिवन यू फॉर अ होमवर्क. सो दीज प्रॉब्लम्स वर लेफ्ट 66, 67, 68 and 69, 70, 71. ओके सो टुडे वी विल सॉल्व दिस. लेट्स रीड 66. इन अ विलेज देयर आर 537 मैन, 278 वेमेन एंड 123 चिल्ड्रेन. वॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ ऑफ़ दी विलेज. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक विलेज है जहाँ पे मेंस कितने हैं, मैन कितने हैं 537, वीमेन कितनी हैं 278 एंड चिल्ड्रन कितने हैं 123. वॉट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. टोटल पॉपुलेशन उस विलेज की कितनी होंगी, अगर वहाँ पे बच्चे इतने हैं, लेडीज़ औरतें इतनी हैं और मेंस इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उस विलेज की कितनी है, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. चेक हियर. ओके सो नंबर ऑफ मेंस इन अ विलेज 537, नंबर ऑफ वीमेन इन अ विलेज 278, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ विलेज 123. ओके पहले आप एग्जैक्ट करेक्ट डिजिट्स उतारेंगे बुक से चेक करके, उसके बाद एक डिजिट के नीचे ही दूसरी डिजिट आनी चाहिए. जैसे मैंने उतारा है यहाँ पे देखिए, एक डिजिट के नीचे ही दूसरा डिजिट होना चाहिए. सो आपको एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. एंड देन यू हैव टू ऐड इट. ओके सिंपली ऐड इट. आई हैव नॉट रिटन द आंसर, जस्ट ऐड देम एंड राइट द आंसर हियर. टोटल पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी, जो आंसर आएगा आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इक्वल्स टू वॉट एवर द ऐड विल बी. ओके जो भी एडिशन होकर आएगी वैल्यू वो आपको यहाँ पे लिखना होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67. देयर आर 832 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. आउट ऑफ दीज 374 आर गर्ल्स. आउट ऑफ दीज 36, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में 832, उसमें से गर्ल्स कितनी दी हुई हैं 374. नाउ हाउ मैनी बॉयज आर स्टडिंग इन द स्कूल. तो गर्ल्स अगर इतनी हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, तो उसमें से बॉयज़ कितने हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके हाउ मैनी बॉयज़ आर स्टडिंग इन द स्कूल. चेक हियर. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं 832. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गिवन है, यहाँ पे लिख लीजिए आप गिवन नंबर ऑफ गर्ल्स 734. ओके नाउ वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. ओके क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है, तो हमें बॉयज फाइंड आउट करने हैं, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. ओके देखिए यहाँ पे हमने 832 में से 734 को सब्ट्रैक्ट किया है. आई हैव टेकन बोरो फ्रॉम 3. यहाँ पे 2 था, 2 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आई हैव टेकन बोरो फ्रॉम 3. इट विल बिकम 12. 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 आया. यहाँ 3 से हमने बोरो ले लिया था, तो यहाँ इट बिकम्स 2. यहाँ पे 2 हो गया. अब 2 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं. देन वी हैव टेकन अ बोरो फ्रॉम 8. ओके हमने 8 से बोरो लिया. 8 से जो बोरो ले लिया, तो 8 को कट करके क्या लिख दिया, 7, क्योंकि हमने एक बोरो ले लिया है 8 से. नाउ इट बिकम्स 12 हेयर, क्योंकि आई हैव टेकन अ वन बोरो फ्रॉम हेयर. वन बोरो ले लिया तो इट बिकम्स 12. 12 माइनस 7 5 एंड 7 माइनस 3 4. सो 458 नंबर ऑफ बॉयज विल बी 458. 458 जो बच्चे वो कौन क्या थे, देवर बॉयज. चेक क्वेश्चन नंबर 68. राजन हैड 388 मार्बल्स. राजन हैड 388 मार्बल्स. हिज सिस्टर हैड 96 मार्बल्स मोर देन हिम. मतलब राजन के पास अगर 388 मार्बल्स हैं और उसकी सिस्टर के पास 96 और उससे ज़्यादा हैं. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो राजन के पास 5 मार्बल्स हैं, ठीक है. अगर मैं ये बोलूँ राजन के पास 5 मार्बल्स हैं और उसकी सिस्टर के पास उससे 3 और ज़्यादा हैं, मतलब 5 + 3 = 8 हैं उसकी सिस्टर के पास, ठीक है. हाउ मैनी मार्बल्स डिड बोथ ऑफ देम हैव इन ऑल. तो पहले तो हमें ये निकालना होगा कि उसकी सिस्टर के पास कितने मार्बल्स हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 388 में 96 को ऐड कर देंगे. 388 में 96 को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ मार्बल्स हिज सिस्टर्स हैविंग वो निकल आएगा. ओके तो 388 + 96. चेक हियर.
नंबर ऑफ मार्बल्स राजन हैव, राजन के पास कितने हैं? 388. ओके. सिस्टर हैव मोर देन हिम, सिस्टर के पास उससे ज़्यादा हैं. कितने ज़्यादा हैं? 96. तो पहले तो इसको ऐड करिए, कितना आया? 484. तो उसकी सिस्टर के पास कितने मार्बल्स हैं? हिज सिस्टर हैव 484 मार्बल्स, राजन हैव 388 मार्बल्स. तो अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बोथ हैव 872. दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दोनों की मिला के कितने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हुए वो हमें लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सचिन इज गोइंग ऑन अ 700 किलोमीटर ट्रिप. सचिन कहाँ जा रहा है? एक ट्रिप में जा रहा है जिसका डिस्टेंस है 700 किलोमीटर्स. इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी ट्रैवल 282 किलोमीटर्स, अगर उसने 282 किलोमीटर्स ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है तो उसको और कितना ट्रैवल करना होगा, और उसको कितना ट्रैवल करना होगा? लुक हियर, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है सचिन को? 700 किलोमीटर्स. एंड डिस्टेंस ऑलरेडी कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है? 282 कवर हो चुका है. तो हमें कितना और करना है तो हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, हमें टोटल डिस्टेंस जितना कवर करना है और जितना डिस्टेंस कवर हो चुका है उसको टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना रिमेनिंग है उतना निकल आएगा. सब्ट्रैक्ट 282 फ्रॉम 700. यहाँ किया 10, क्योंकि 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, तो 10 में से 2 गया 8 आया, इट बिकम्स 9. 9 में से 2 8 गया 1 बचा, इट बिकम 6. 6 में से 2 गया 4 बचा. ओके. 418 किलोमीटर्स मोर टू गो, 418 किलोमीटर्स मोर टू कवर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 70, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 653. कोई भी दो नंबर है उनका सम कितना है? 653. इफ वन ऑफ द नंबर इज 365, अगर उसमें से एक नंबर 3 है तो फाइंड द अदर. पहले ही समझिए, सपोज एक सम दिया है 7, ठीक है, और 7 में से एक नंबर दिया है 4. अब 4 में मैं ऐसा क्या प्लस कर दूं कि 7 हो जाए? 4 के आगे काउंट करिए, 4 5 6 7, 4 5 6 7, हमने कितना काउंट किया? 1 2 3. तो अगर मैं 4 में 3 और प्लस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 7. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारा सम दिया है और उसमें से एक नंबर दिया है तो हमें सेकंड नंबर निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो ये देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है? 653. एंड द फर्स्ट नंबर कितना दिया है? 365. उसमें से फर्स्ट नंबर कितना है? 365. तो हमें सेकंड नंबर निकालना है. तो हम क्या करेंगे? बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस कर देंगे. अब 3 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं, तो हमने 5 से एक बोरो लिया और यहाँ हो गया 13. 5 से हमने 1 बोरो लिया और यहाँ हो गया 13. 13 सब्ट्रैक्टेड 5 इज 8. अब क्योंकि यहाँ से हमने एक बोरो ले लिया तो इट बिकम्स 4. 4 में से 6 माइनस होगा क्या? नो. तो आई हैव टेकन 1 बोरो फ्रॉम 6. मैंने 6 से एक बोरो ले लिया, और जब क्योंकि मैंने 6 से एक बोरो ले लिया तो 6 के पास क्या बचा? 5. और यहाँ हो गया 14. 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 8. और यहाँ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 2. सो आवर सेकंड नंबर विल बी 288. क्लास 3, 71 आपका होमवर्क है. 71 आप अपने आप से करेंगे. फर्स्ट यू ट्राई बाय योरसेल्फ, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके. व्हाट शुड बी एडेड टू 276 टू मेक इट 500? सिमिलर क्वेश्चन है. ओके. इट इज़ सिमिलर कि 500 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 276 में हम कैसा क्या ऐड करें कि 500 आ जाए. ओके. ये देखिए, यही क्वेश्चन है कि 4 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 7 आ जाए. 4 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 7 आ जाए. तो आपको क्या करना होगा? बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई बाय योर ओन. ओके क्लास 3, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन.